Today, the topic of our lecture is multiple LED. अब multiple LED को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा background knowledge जो है उसको लेना होगा. For example, मैं आपको पहले बता चुका हूँ. Where there is a character that is controlled by a gene, उसको एक gene control करता है, and gene is consists of pair of alleles. अब ये pair of alleles जो हैं, हमारे पास जो आपके पास ये जो pair of alleles हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं. कैपिटल डी, कैपिटल टी, स्मॉल डी, स्मॉल टी या कैपिटल आर, स्मॉल आर. अगर हम इसको शॉर्टकट दें और इसको मजीद करें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि T1, T2 और R1, R2. हम इनको कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल टी स्मॉल टी कहने के बजाय हम इनको T1, T2 भी कह सकते हैं. कि यानी हम कहते हैं कि डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील. डोमिनेंट एलील को हमने कैपिटल टी दिया, हम उसके बजाय डोमिनेंट एलील को T1 कहते हैं. रिसेसिव एलील को हम स्मॉल टी, उसके बजाय उसको T2 कह सकते हैं. इसी तरह हम डोमिनेंट आर जो है उसके लिए हम कैपिटल आर यूज कर रहे हैं और स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव के लिए, तो उसके लिए हम R2 भी यूज कर सकते हैं. सो दीस पेयर ऑफ एलील्स आइदर दैट इज अ डोमिनेंट एलील आर रिसेसिव एलील फॉर अ जीन, दे ऑक्युपाई द सेम पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम. और ये भी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, सेम पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम का मतलब क्या है. दैट इज द लोकस. हर जीन की स्पेसिफिक पोजीशन है, स्पेसिफिक लोकेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकस. अगर हम कह रहे हैं कि व्हेन देयर आर टू एलील एंड दे ऑक्युपाई द सेम पोजीशन, तो इसका मतलब ये है कि एक जीन के दोनों एलील होंगे. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसके बाद शुरू होता है. हमने बात की कैरेक्टर कंट्रोल बाय जीन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एलील, ये एलील सारा कुछ. पर सम टाइम इस लोकस के ऊपर मोर देन टू एलील्स आर प्रेजेंट. Different individuals. आपके पास sometimes more than two alleles जो हैं, alternate alleles होते हैं, different individual of a population. So this concept is called as the multiple allele. These allele, यानी एक जीन के लिए एक से ज्यादा एलील, उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि T1, T2, T3, T4 मोर देन टू है तो हम T3 पे भी जा सकते हैं. T4 ना भी हो, मोर देन टू T3 भी है. या R1, R2, R3 मोर देन टू हुआ, हम आगे जितना भी जाना चाहे जा सकते हैं. सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक ही पोजीशन जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पे एक स्पेसिफिक लोकस के ऊपर डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन दे कैरी मोर देन वन एलील फॉर द जीन, या मोर देन वन एलील मौजूद है सेम पोजीशन के ऊपर. तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज द मल्टीपल एलील.
इसको हम क्या कहते हैं मल्टीपल एलील। अब ये मल्टीपल एलील का कंसेप्ट आया कहां से, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम मॉर्गन उसके रेफरेंस से बात करेंगे। फर्स्ट केस ऑफ मल्टीपल एलील वाज रिपोर्टेड, सबसे पहला केस जो है मल्टीपल एलील का वो रिपोर्ट किया गया। द फर्स्ट केस ऑफ मल्टीपल एलील वाज reported and that was the eye color in Drosophila, that was the eye color in Drosophila. Eye color in Drosophila, actually the wild type eye color, that is the red eyes. Wild type आपके पास एक होती है mutant type, आपके पास हमेशा जो wild type होती है ये dominant feature होता है और जो mutant type होती है वो हमेशा recessive feature होगा। तो right eyes क्या wild type है तो ये क्या होगा dominant होगा। So, थोड़ा सा मैं आपको म्यूटेंट टाइप और उसपे आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये हुआ क्या एक्चुअली। ये जो फर्स्ट केस ऑफ मल्टीपल एलील है जो कि मॉर्गन ने 1910 में ये रिपोर्ट किया, सो इन अ बयान एक ग्लास जार है जिसके अंदर फ्लाइज को रखा जाता था, उसके अंदर उसने ड्रोसोफिला फ्लाइज रखी थी और ऑल द फ्लाइज विद नॉर्मल रेड आईज। उस फ्लाइज के अंदर नॉर्मल रेड आईज थी। In some day, उसे उसमें से कुछ ब्राइटनेस फेस हुई उस ग्लास वेयर के अंदर, जब उसने उस पर फोकस किया तो उसे समझ आई कि उसके अंदर किसी एक ड्रोसोफिला जो है उसकी आईज का कलर चेंज है। दैट वॉज द फाउंड वाइट आई ड्रोसोफिला। क्या नजर आई उसको, अ फ्लाई विद व्हाइट आईज एंड दिस व्हाइट कलर, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि रेड कलर दैट इज द व्हाइट टाइप नॉर्मल है, व्हाइट टाइप है। सो ये जो व्हाइट आई ड्रोसोफिला उसको नजर आई दैट अराइज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। ये कैसे व्हाइट कलर आया, that is due to the mutation. अब उसने इन white eyed drosophila के ऊपर जो उसको glass vial के अंदर नजर आए उसके ऊपर genetic experiment start कर दिए। experiment पर started so finally the position of the gene was determined, कौन सा gene controlling the white eye color, controlling white eye color in the fly,
पता चला आफ्टर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ द जीन दैट द वाइट आई कलर इन द फ्लाई दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. Where that gene is located? X chromosome. X chromosome. X chromosome के ऊपर भी 1.5 unit from the left end. और उसकी specific location X chromosome के ऊपर क्या है? 1.5 unit from the left end of this chromosome. जब उन्होंने ये सारे डिटरमिनेशन की तो उन्हें पता चला कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लेफ्ट हैंड से 1.5 यूनिट के ऊपर जो पोजीशन है जो स्पेसिफिक दैट इज फॉर द जीन व्हिच कंट्रोल रेड आई कलर. जीन कंट्रोल द रेड आई कलर इन फ्लाई ड्रोसोफिला. क्या हुआ ये क्या कर रही है जी? सब लेक्चर रिकॉर्ड कर इसको बंद कर दें. सो जीन कंट्रोल द रेड आई कलर पोजीशन ऑफ द जीन दैट इज एज सिमिलर एज द जीन कंट्रोलिंग द वाइट आई कलर इन द फ्लाइज. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो व्हाइट आई और रेड आई है ये दोनों जो है एक ही लोकस के ऊपर मौजूद है. मतलब कि एक ही जीन के डिफरेंट एलील्स हैं जो कि एक प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक एलील रेड कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एलील व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं. वक्त गुजरा, अब फोकस आ गया आई कलर के ऊपर. जब उनको व्हाइट आई कलर नजर आया तो उसके बाद अब आई कलर उनके लिए फोकस पॉइंट ऑफ फोकस था. तो उसके बाद उन्होंने उसको फोकस करना शुरू किया. सो लेटर ऑन दे फाउंड जो मॉर्गन की टीम थी दे फाउंड सम फ्लाइज विद द eosine color if jo eosine hai that is the fluorescent red dye. fluorescent red dye color hota hai. so ek biological stain bhi hai ye eosine jo aapne staining techniques mein eosine use hota hai biological stain hai usse milta julta uske eye color jo hai unko nazar aa raha. ab kya hua जब उसकी भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की गई पोजीशन ऑफ जीन निकाला गया वहीं पता चला आखिर में पता ये चला जी कि ये तीनों के तीनों जो आई कलर हैं उनको कंट्रोल करने वाले जीन सेम है. आइदर दैट इज द रेड कलर आइदर दैट इज द व्हाइट कलर आइदर दैट इज द ईओसी. तो इससे क्या मतलब हुआ कि ये तीनों के तीनों एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये तीनों डिफरेंट एलील फॉर द जीन हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? डिफरेंट एलील ऑफ द जीन हो सकते हैं. अब उन्होंने डिफरेंट क्लासेस करवाई. क्लासेस के लिए के दरमियान करवाए जो eosine into red, eosine into white. इनके दरमियान क्या करवाएंगे? क्लासेस करवाएंगे. सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि आइदर ये जो eosine कलर या व्हाइट कलर या रेड कलर है इन
को कंट्रोल करने वाले जो एलील हैं या ये एक जीन के सारे एलील हैं या नहीं, तो ये जो क्लासेस जब करवाएंगे तो इससे ये सब कुछ कंफर्म होगा दैट द जीन फॉर मियोसिन वाज एन एलील फॉर बोथ रेड एंड व्हाइट. मियोसिन को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो रेड और व्हाइट का एलील है. क्या है ये सारे के सारे एक दूसरे के. अब इन अदर वर्ड मियोसिन जब पता चला कि ये रेड और व्हाइट कलर को कंट्रोल करने वाले जीन के साथ उसी जीन का एलील है तो यहां पर मल्टीपल एलील का कंसेप्ट सामने आ गया कि एक जीन के तीन एलील भी हो सकते हैं. एक जीन के कितने एलील भी हो सकते हैं? इससे पहले हम क्या कहते थे? पेयर ऑफ एलील्स. जीन के कितने एलील होंगे? यहां पर क्या पता चला? मियोसिन कलर के बाद तो उसके मोर देन टू एलील भी हो सकते हैं जिसको हमने मल्टीपल एलीलिज्म का कंसेप्ट सामने आया. वक्त गुजरता गया, आई कलर जो है इस पे फोकस होने के बाद और मुख्तलिफ किस्म की क्रासेस होने के बाद इसी ड्रोसोफिला में सीरीज ऑफ आई कलर रिपोर्ट हुआ जिनकी डिफरेंट शेड्स एंड इंटेंसिटीज थी बिटवीन रेड टू व्हाइट शेड्स एंड इंटेंसिटीज. सीरीज आ गई. लाइक इस सीरीज में मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं. वाइन ब्लैड कोरल चेरी एप्रिकॉट हनी पल आइवरी एंड फ्यू मोर एंड फ्यू मोर. So, अब यहां पर देखें ये डिफरेंट जो लैंड्स हैं ये डिफरेंट शेड्स हैं. सीरीज ऑफ शेड जो है बाद में रिपोर्ट हुए ड्रोसोफिला से. इसमें रेडनेस कम होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है और वाइट की तरफ बात आगे जा रही है. सो हम इनको कह सकते हैं कि द फिनोटाइप sometimes phenotype produced by the different alleles are not markedly different iske alawa bhi sometimes kya hua ki sometimes phenotype produced by different alleles are not markedly different so that some of them appear close to the normal red. आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फिनोटाइप थे जो आपके इस रेड से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं थे. ये तो वो थे जो कि पहचान लिए माए ब्लड कोरल चेरी एप्रिकॉट हनी पर्ल आइवरी. लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे शेड थे ऐसे फिनोटाइप्स हैं कि दे वर नॉट मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल रेड या दे अपीयर वेरी क्लोज टू द नॉर्मल रेड. तो क्लोज थे लेकिन सेम नहीं थे. क्लोज थे बट सेम नहीं थे. डिफरेंस मौजूद था
But that was not so marked. Both gender difference. So वो भी किसी allele की वजह से produce हो रहे थे. So those alleles are called as the isoallele. ऐसे alleles और क्या कहते हैं? Isoallele. तो isoallele क्या हुआ? कि दो alleles, whose phenotypes are not markedly different, are very close to each other. समझ आई है मल्टीपल एलील की? So this was the first ever report of the multiple allele, and that was done by the Morgan in 1910. और उसके लिए भी उसने आई मदर इन ड्रोसोफिला को यूज किया. और उसके बाद जो है ये रिपोर्ट हुआ कि yes, the multiple alleleism that is a concept or the phenomena genetics में. उसके बाद एक और एग्जांपल है और वो जो है Sturdivant, 1913. Sturdivant, he was actually the student of Morgan. He reported another case of multiple alleleism. जिसको हम कहते हैं Himalayan rabbit. आपके पास जो ये हिमालय रैबिट जो है, ये आपके पास जो कोट कलर है, इन रैबिट उसकी एक टाइप है कोट कलर. ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको. सो द वाइल्ड टाइप, कौन सी वाइल्ड टाइप क्या होगी? नॉर्मली अवेलेबल. एंड क्या होगी उसकी प्रॉपर्टी? दैट विल एक्ट एज अ डोमिनेंट. जब हम किसी कैरेक्टर को कहते हैं कि दैट इज वाइल्ड टाइप, तो वो क्या होगा? एक्चुअली डोमिनेंट होगा. सो जो वाइल्ड टाइप कोड कलर है, इसके अंदर रैबिट्स के अंदर तो वो है ग्रे फर, और उसको कहा जाता है एगाउटी. क्या कहा गया? एगाउटी. इसके अलावा देर आर सर्टन अदर रैबिट्स विच हैव वाइट फर प्लस पिंक आईज, उनको कहा गया एल्बिनो. क्या कहा गया? एल्बिनो. सो उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन आती है, जिसको जिसमें होता क्या है कि द वाइट फर ऑन द बॉडी प्लस feet, tail, ears, feet, tail, ear, and tip of nose, that is back. एक और कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? ग्रे फर, जिसको एगाउटी कहा गया. White fur with pink eyes, albino. And third one, white fur on the body, feet, tail, ear and tip of the nose black. उनको हमने कहा कि that is Himalayan. Himalayan rabbit, gaudi rabbit, albino rabbit and Himalayan rabbit.
Gaudi was crossed with the albino. आपके पास जब इनको अपने दो पेरेंटल जेनरेशन दिए तो आपके पास F1 में सारे गाउडी आ गए और यहां भी F1 में गाउडी आ गए. What does it mean? Gaudi is dominant over albino in Himalayan. Gaudi जो है वो डोमिनेंट है हिमालय के ऊपर भी और गाउडी डोमिनेंट है एल्बिनो के ऊपर. गाउडी क्या है? That is dominant. और when हिमालय was crossed with albino. Himalayan और albino को क्रॉस करवाया गया. F1 all Himalayan. मतलब क्या हुआ? Himalayan और albino से dominant. F2 में फिर 3 रेशो 1 हमारा रेशो इनक्रीज हो गया. अगर आपने ये क्रॉस जब करेंगे अपने नोटबुक के अंदर तो उसके लिए आपने जो होमोजाइगस गाउटी है उसको मेंशन करना है कैपिटल सी से. एल्बिनो को आपने मेंशन करना है स्मॉल सी से. मैंने ये क्रॉसेस जैसे लिखे ये आपने F2 तक इनको परफॉर्म करना है. और जो हिमालयन के लिए आपने जो जीनोटाइप यूज करना है वो स्मॉल सी विद सुपरस्क्रिप्ट एच. सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर जो है एच हम लिख रहे हैं ये आप करें यूज करेंगे. अच्छा बाद में आप देखें कैपिटल सी स्मॉल सी एच ऑल थ्री शेयर द सेम पोजीशन सो देयरफॉर वी कॉल इट मल्टीपल हिमालय. क्या है ये? मल्टी थर्ड एलिन है जो सी एच के सी कैपिटल सी और स्मॉल सी का यानी अगाउटी और एल्बिनो का. समझ आ रही है आपको? सो बाद में एक फोर्थ वन सामने आया चिंचला सी सी एच जिसको हम नोट करते हैं सी सी एच से चिंचला. ये फोर्थ इसका एलील जो है फर कलर या कोट कलर जो है रैबिट्स के अंदर उसके लिए हमारे पास सामने आता है चिंचला जो है ये काफी मिलता जुलता है हिमालयन के साथ. स्मॉल के स्मॉल सो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ. स्मॉल सी के ऊपर सी एच कैपिटल सी सिर्फ एच गाउडी वाइल्ड लाइफ ये बाकी सारे म्यूटेंट है जितने भी आ रहे हैं और म्यूटेंट हमेशा रिसेसिव होते हैं. तो वाइल्ड लाइफ कोई एक कलर होगा कोई एक फीचर होगा और वो डोमिनेंट होगा और जो कि ऑलरेडी वो अगाउटी है. सो चिंचला में ब्लैक टिप्स उसी तरह होंगे जिस तरह हिमालयन में थे. हिमालयन में बाकी जो बॉडी फर थे वो व्हाइट कलर थे लेकिन यहाँ पे व्हाइट फर नहीं होंगे सॉलिड ग्रे होंगे. इससे डिफरेंट क्या होगा? जो बॉडी के जो बाकी फर होगा वो क्या किस कलर में होगा? सॉलिड ग्रे कलर. सॉलिड ग्रे हमारे पास अब इसके बाद जो मैन एग्जांपल है इस के लिए जब कि हम मल्टीपल एलील को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक मेजर एग्जांपल है जिसको हम लेते हैं
और उसको हम कहते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ओ ब्लड ग्रुप या ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये हमारे पास एक मेजर टाइप है। थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्लड इफ ब्लड इज टेकन फ्रॉम टू पर्संस, अगर आपने दो बंदों से ब्लड लिया या टू पर्सन से आपने ब्लड लिया एंड अलाउड टू मिक्स, क्या किया आपने दो बंदों से क्या किया और उसके बाद अलाउड टू मिक्स आउटसाइड देयर बॉडी, कहां पर मिक्स किया आउटसाइड देयर बॉडी, क्या होगा? दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर स्मूथली मिक्स होगा, एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि वो क्या होगा स्मूथली मिक्स होगा, या दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लंपिंग हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? क्लंपिंग हो जाएगी। व्हाट इज क्लंपिंग? एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज, क्लंपिंग जिसको कहते हैं। इस क्लंपिंग या एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज द रीजन बिहाइंड दिस क्लंपिंग दैट वाज एक्सप्लेन्ड explained by Lenz Steiner in 1900, iski reason ko explain kisne kiya? Lenz Steiner ne 1900 mein kaise blood leta tha different persons se, unse kya karta tha, mix up in various way, different तरीकों से उनको mix करता था, sometime mix well, sometime no, not mix, sometime mix well हो जाता था, sometime नहीं, ultimately उसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बुनियाद रखी। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो इस सब के बाद लेटर ऑन इट वाज फाउंड human erythrocytes, erythrocytes जिनको हम RBCs कहते हैं, जी, human erythrocytes carry type of proteinaceous एंटीजेंस, जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस, और उसमें ए और बी की बात को पता चला कि आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीनेशियस एंटीजन है, और एंटीजन भी दो किस्म के हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी। उसको मजीद एक्सप्लेन ऐसे किया गया कि द पर्सन
दो एंटीजन है आपके पास, ए एंड बी प्रोटीनियस सब्सटेंसेस हैं. लुक एट इट ऑन द सरफेस ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स. इफ अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए तो उसके अंदर एंटीजन ए होगा, जिसका बी है उसमें बी होगा, जिसका ए बी है उसमें दोनों होंगे, और जिसका ओ है उसमें कोई भी नहीं होगा. दीज एंटीजेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्लूटिनोजेन. एंटीजेंस को एग्लूटिनोजेन भी कहते हैं. वी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जिनको हम एग्लूटिनिन कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन. अब इसके जेनेटिक्स ऑफ द ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जी जी, एंटीजन को हम कहते हैं एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी को हम कहेंगे एग्लूटिनिन. अब उनके ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स पे आ जाते हैं. जेनेटिक्स तो इसकी जेनेटिक्स हमारे पास बेटसन इन 1924 ही एक्सप्लेन द जेनेटिक्स ऑफ द ब्लड ग्रुप. कैसे कि दिस ब्लड ग्रुप antigen that is controlled by an autosomal gene. Autosomal gene, I capitalize उसको. Autosomal gene है जिसको हम denote करते हैं capital I से. I stand for isohemagglutinin. G का नाम क्या है? I से हम इसको करते हैं और I stand for isohemagglutinin. ये किसने बताया? ये बेटसन ने बताया 1924 कि ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है वो एक ऑटोसोमल जीन. ऑटोसोमल जीन और सेक्स लिंक जीन, ये दो किस्म के जीन है. मतलब कि जीन लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर होंगे. अगर उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन लोकेट होगा तो हम कहेंगे कि दैट इज सेक्स लिंक जीन. और अगर वो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम जिनको ऑटोसोम कहते हैं उनके ऊपर वो लोकेटेड होगा तो जीन विल बी कॉल्ड एज द ऑटोसोमल जीन. जब एक जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट है तो उसके इनहेरिटेंस पैटर्न डिफरेंट होगा. अगर जीन ऑटोसोमल जीन है और ऑटोसोम के ऊपर है तो उसका इनहेरिटेंस पैटर्न डिफरेंट होगा. सो ऑटोसोमल जीन है, आई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सेक्स है उस पर डिपेंड नहीं करता कि आइदर दैट ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल है या फीमेल है. इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स ये सेम वो करेगा बिकॉज इट इज ऑटोसोमल जीन. ये क्या है? ऑटोसोमल जीन है आई. दिस आई जीन हैव थ्री एलील, ए बी और ओ, कैपिटल एल. क्या है? कैपिटल आई. कैपिटल आई सुपरस्क्रिप्ट ए, सुपरस्क्रिप्ट बी, सुपरस्क्रिप्ट ओ. So, this A is dominant over O and that is dominant over O. दोनों जो हैं dominant.
कि the person having blood group A, a person having blood group A, तो इसका मतलब क्या होगा? Either A, I A, homozygous A or heterozygous A. Homozygous B or heterozygous D or A, B or A. Clear आपको? ये सारी सारी conditions. अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कोडोमिनेंस? यस जी, जिसमें दोनों जीन डोमिनेंट होती है, कोई भी किसी के बोथ द पेरेंटल जीन एक्सप्रेसेस इट सेल्फ इन द F1, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द कोडोमिनेंस. इफ बोथ द पेरेंटल जीन एक्सप्रेसेस, आपके पास if parent is A cross with B, F1 क्या होगा? A B, ये parent है, ये F1 है. यहां पर genes बने हैं, क्या कोडोमिनेंस है या नहीं है? इफ बोथ द पेरेंट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है और इसका ब्लड ग्रुप ए भी है, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल है ये? कोडोमिनेंस की एग्जांपल है या नहीं? बिल्कुल एग्जाम्पल है. अब हमारे लिए इसमें एक तो आपको मैंने बताया कि आपने वो जो रैबिट्स वाले जो मैंने आपको तीन वो बताए थे वो करने हैं, उनको नंबर कौन सा लगेगा जो सीरियल नंबर लेके चल रहे हैं? इसे पिसर कौन सा था? हमने उसको लास्ट जो आइसो जीन्स या डुप्लीकेट जीन उसको कौन सा नंबर दिया था? 11 था. आप चेक कर लें कि आपके पास भी 11 था जी. सर पहले हमने 3 किए थे, उसके बाद हमने 5 किए, उसके बाद फिर हमने 3 किए लास्ट में डुप्लीकेट जीन. नहीं एक्चुअली आपके पास नंबर क्या बन रहा है जी? 11 होगा आज ये जो रैबिट्स है वो 11 होगा. अच्छा रैबिट 12 होगा और 13 जो है अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में है. उसमें आपने जो डिफरेंट क्लासेस कर दी है अब 13.1 AAAO ego into ego a into b b a into a b a o into a b or A O into B B or A O into B O A O into O O O O into O O or last one, that is the O into B B.
10 examples हैं जिनको आपने solve करना है. मैं एक 11th one को लेके चलता हूँ, बल्कि एक और example इसको मैं solve करने जा रहा हूँ. याद में करना कि इसमें वो एक आपको बोल देता हूँ, इसमें a b into a b तो नहीं है, आपको नजर आ रहा है a b into a b. फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ क्यों a b into a b, तो हमें इसे जीरो टाइम क्या होगा, a b into a b क्या हो गए डिपेंडेंट्स. इनमें गैमेट्स बनेंगे ए, इनमें गैमेट्स बनेंगे बी, इसमें भी गैमेट्स बनेंगे ए, इसमें भी गैमेट्स बनेंगे बी. तो आप अगर चाहें कोई डिफिकल्टी फेस करें तो आप ए बी A, B, capital A, capital A, capital A, capital B, capital A, capital B, capital B, capital B. So what will be the phenotype? Blood group A, blood group AB, blood group AB, blood group B. So A into AB into B, that is 1:2:1 ratio. समझ आ गई आपको? इसलिए आपने ब्लड ग्रुप आपका ऑफस्प्रिंग जो है इन सब में बताने हैं. ये 10 डिफरेंट जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने क्या बताना है इसमें? ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग.